बॉलीवुड में इस वक्त सीक्वल्स की भरमार है। हर छोटा बड़ा एक्टर अपनी अपनी फिल्मों के सीक्वल्स को लेकर बिजी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फिल्मों के सीक्वल्स आने वाले हैं। दरअसल जब से गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं, तब से ही बाकी के फिल्म मेकर्स ने भी अपनी अपनी फिल्मों के सीक्वल्स पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में फुकरे का तीसरा पार्ट फुकरे 3 रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। इससे पहले गदर 2 के साथ भी अक्षय कुमार की OMG 2 भी रिलीज हुई थी, जो कि हिट रही थी। और अब 12 अक्टूबर को सलमान खान की टाइगर 3 भी रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने भी अपनी सिंघम फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें हमें एक बार फिर अजय देवगन बाजीराव सिंघम के किरदार में दिखाई देंगे। जबकि अक्षय कुमार की वेलकम सीरीज़ की तीसरी फिल्म वेलकम 3 पर भी काम शुरू होने वाला है, जिसका नाम वेलकम टू द जंगल रखा गया है। इस बार हमें अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त और सुनील शेट्टी भी दिखाई देंगे। इसके अलावा हेरा फेरी 3 पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है, जिसकी लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल दिखाई देंगे। साथ ही अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की आवारा पागल दीवाना के सीक्वल पर भी बात चल रही है, जबकि सलमान खान की सुपरहिट फिल्म किक का सीक्वल भी शुरू हो सकता है, जिसे किक 2 के नाम से बनाया जाएगा। सनी देओल की बॉर्डर 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें एक बार फिर सनी देओल सोल्जर के किरदार में दिखाई देंगे। जबकि ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म वार का दूसरा पार्ट वार 2 भी 2024 में रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें इस बार ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR दिखाई देंगे। यही नहीं, ऋतिक रोशन की एक और सुपरहिट फिल्म क्रिश के अगले पार्ट को लेकर भी तैयारियां चल रही है। जबकि अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म सन ऑफ सरदार, दे दे प्यार दे और दृश्यम के अगले पार्ट्स पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा डॉन 3 पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसकी लीड कास्ट में इस दफ़ा शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह दिखाई देने वाले हैं। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अब तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी सीक्वल्स की भरमार है, जहां बाहुबली और KGF जैसी बड़ी फिल्मों के सीक्वल बन चुके हैं, तो वहीं अब पुष्पा 2 पर भी काम शुरू होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हर कोई सीक्वल्स बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। खैर, आप बताएं, आपको इन सब सीक्वल्स में से किस फिल्म के सीक्वल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड 2020। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी विज़िट कर सकते हैं।